सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद के इस सप्तम प्रपाठक में कल हमने पढ़ा था, जो एक बड़ा संवाद है उपनिषदों का, बहुत प्रसिद्ध संवाद है, बहुत बड़ा संवाद है नारद और सनत कुमार जी का, कि हर व्यक्ति सुख को चाहता है और उसको ये पता नहीं है कि उसको कैसे प्राप्त करूं। तो बस यहीं पर ही एक कदम चूक जाने से फिर व्यक्ति पूरी अपनी मंजिल को ही चूक जाता है, जिंदगी भर ही सुख प्राप्त कर नहीं पाता है इतना पुरुषार्थ करने के बावजूद भी, क्योंकि एक कदम यदि गलत रास्ते के ऊपर रख लिया तो अब मंजिल भी कौन सी आएगी, गलत वाली आएगी, ठीक वाली मंजिल सामने नहीं आएगी, क्योंकि एक पहला कदम ही क्या रख दिया हमने, गलत रास्ते पे रख दिया। जाना था हमारे को दिल्ली और पहला कदम ही किधर बढ़ा दिया, हरिद्वार की तरफ, ऋषिकेश की तरफ बढ़ा दिया। तो अब जितनी भी यात्रा होगी तो मंजिल कौन सी आएगी, जो हम चाहते हैं वो वाली नहीं आएगी, जो हम नहीं चाहते हैं वो वाली आएगी। तो हर व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत किससे करता है, सुख पाने से करता है और जीवन भर पुरुषार्थ करता है वो सुख के लिए, और रिजल्ट क्या आता है, दुख ही आता है, सुख मिलता नहीं है। कहीं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कभी कभी दर्शन हो जाते हैं सुख के, टेम्परेरी सुख के, लेकिन वो आता नहीं है। तो करें क्या, क्योंकि हर व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं बन सकता है, और सन्यासी ब्रह्मचारियों को भी सुख नहीं है। सन्यासी भी बन भी गए ना, वो भी जरूरी नहीं है कि उन्होंने तो शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया, उनको भी नहीं है, और कभी तो उनकी स्थिति वो दूसरे लोगों से भी ज़्यादा दयनीय भी देखी जाती है, क्योंकि वास्तव में जो सुख का जो प्रोसेस है वो बाहर नहीं है, वो एक स्पेशल प्रकार का आचरण करने से व्यक्ति को सुख मिलता है। तो कभी कभी सिविल कपड़े वालों को वो ट्रिक मालूम पड़ जाती है और वो सुखी होते हैं, बड़े संतुष्ट होते हैं, ऐसे लोगों को देखा जो घर गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को, अपने संबंधियों को अच्छे से सेट किया, अच्छी शिक्षाएं दी, अपने घर के वायुमंडल को आश्रम जैसा बनाया, स्वर्ग जैसा बनाया, सात्विक प्रधान बनाया, और खुद वो ऐसे संतुष्ट होकर के संसार से गई। ऐसे लोगों को देखा, बड़े मेहनती, बड़े पुरुषार्थी, बड़े धार्मिक, बड़े पवित्र आचरण वाले, और ऐसे लोगों को भी देखा कि चले तो इस रास्ते के ऊपर लेकिन जीवन तो बहुत ही हल्का रहा उनका, और जाते समय उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, माया मिली ना राम, ऐसी भी स्थिति देखी जाती है। लेकिन सब काम करते हुए, घर गृहस्थ के काम भी करते हुए, और कैसे हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए ऋषियों ने कहा कि आप सबको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको पूरे पूरे दिन ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं है, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, बस आप उस क्रिया को शुरू करने से पहले एक बार सजग हो जाएं एक क्षण के लिए,
और बस फिर वो क्रिया वैसी ही होगी। तो इसलिए इन्होंने हमें एक रास्ता दिखा दिया, इन्होंने कहा कि कोई भी काम करने से पहले एक क्षण लगाना बस, और वो क्षण क्या होगा, कल क्या पढ़ा था, उस क्षण में क्या करना है हमें, शिव संकल्प, एक क्षण लगाना कोई भी काम करने से पहले, और वो क्षण क्या होगा, शिव संकल्प। कोई भी काम करने जा रहे हो ना, तो उसमें एक क्षण संकल्प अच्छा कर लेना कि खाना खा रहा हूँ तो किस भाव से खाऊंगा, बस संकल्प क्या है आपका खाना खाने के पीछे। आप पाठ पढ़ने जा रहे हैं, संकल्प क्या है आपका, संकल्प है हमारी ये जो चर्चा है, एक घंटे की जो चर्चा है हमारी ऋषि के साथ बैठ करके, ऋषियों के साथ बैठ करके, ये चर्चा व्यर्थ नहीं जाएगी, ये मेरे जीवन का एक अंग बनेगी ये चर्चा। तो इसलिए हमने कहा तेजस्विनावधीतमस्तु, मंत्र बोलना ये कोई परिपाटी नहीं है, ये कोई विजुअल नहीं है कि ठीक है रोजाना मंत्र बोलना है हमें बैठ करके। मंत्र बोलते हुए जो वैसा भाव रखेगा तद जपस, उसके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन एक दिन में नहीं आया करते हैं, कुछ लोग बीज बोते ही फल खाने के लिए चले जाते हैं, या दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये लोग साधना की बात करते हैं और हमें तो फल तो दिख नहीं रहा है कहीं, तो वो एक्चुअली उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं, वो खुद एक दिन मजाक बन के रह जाते हैं। जिनके दिमाग में, जिनका अहंकार ऐसे अड़ियल होता है ना कि हाँ अच्छी चर्चा को भी वो मतलब ऐसे चुटकियों में उड़ा देते हैं, भाई उसके लिए श्रद्धावान और ये इतनी इतनी बातें जो सिखाई जाती हैं वो उनके अंदर घुसने ही नहीं देते हैं। जिसको चित्त का मल विक्षेप आवरण, तीन बातें कही ना, वो आवरण इतना स्थूल बना रखा है हमने अपना कि हम किसी भी व्यक्ति की किसी भी अच्छी बात को जैसे वो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ना, उसमें घुस ही नहीं सकती है, गोली मारे तो भी गोली भी नहीं घुसेगी, तो बोली तो कहाँ घुसेगी फिर, बोली तो सॉफ्ट है। तो कभी कभी हमारे चित्त की ऐसी स्थिति होती है तो फिर वो दूसरे का नुकसान नहीं करते, वो सोचते हैं कि हमने दूसरे को इग्नोर किया, दूसरे को इग्नोर नहीं किया, अपने आप को किया, अपने जीवन को इग्नोर किया, जो इतनी मुश्किल से मिला था, जो इतना गोल्डन चांस मिला था उसको इग्नोर किया। आप थोड़ी तो आंखें खोलो, दूसरे जो पशु पक्षी हैं, जो प्राणी हैं, जो सांप है, छिपकली है, अभी सांप के घर में पानी पानी भर गया, कहाँ जाए बेचारा, बाहर निकले तो लोग मार देते हैं, और उसके पास पैर भी नहीं है चलने को, पेट से घिसट घिसट के चलना पड़ता है। तो कैसी कैसी स्थिति में दूसरे प्राणी हैं और हमारी स्थिति कितनी अच्छी है, आत्मा तो वही है ना उनके अंदर भी, तो क्या मैं भी अगर इस चांस का लाभ नहीं उठाया तो मैं भी वहाँ जा सकता हूँ क्या, और क्या मैं जाने के लिए तैयार हूँ, ऐसे व्यक्ति सोचता है तो रूह कांपती है फिर। कहाँ तो एक तरफ मैं उस दिव्य सुख को प्राप्त कर सकता हूँ इन्हीं क्रियाओं का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि इन कर्मों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम सब के 8 से 10 घंटे तो ये कर्म करने में ही बीतते हैं, ये क्रियाएं, ये कर्म हमें करने ही पड़ेंगे। जिसका जो स्वधर्म है, जिसका जो स्वकर्म है, उससे बच सकता नहीं है व्यक्ति, करना ही पड़ेगा। और अगर ये 10-12 घंटे हमने ऐसे ही गफलत में बिता दिए, इन क्रियाओं की तरफ यदि हमने ध्यान नहीं दिया, तो 1-2 घंटे की जो साधना है वो भी बहुत हल्की पड़ जाएगी, फिर वो टिक नहीं पाएगी इसके सामने। एक तरफ 2 घंटे की साधना, एक तरफ 10 घंटे की लापरवाही, तो भारी कौन सी पड़ेगी, 10 घंटे वाली पड़ेगी ना। और एक तरफ 2 घंटे की साधना, एक तरफ 10 घंटे का ये जो काम है ये भी साधना, तो 10+2 मिलके 12 घंटे हो जाएंगे फिर रोजाना के, 12 के 12 घंटे साधना। और 12 घंटे जिसने अच्छे से साधना की, स्वधर्म स्वकर्म का अच्छे से पालन किया, तो उसके नींद के भी फिर जो 10 घंटे हैं वो भी
6 घंटे हैं वो भी कैसे बीतेंगे, वो भी साधना ही बन जाएगी फिर उसकी। तो वो जो भी काम करेगा, 6 घंटे सोने के, 2 घंटे साधना के, और बाकी के बच गए 16 घंटे, बाकी के 16 घंटे सब कर्म करने के, चाहे कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो कितना बड़ा पार्ट है 16 घंटे। हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है। चलो कोई 7 घंटे सो लेगा तो 15 घंटे करना पड़ता है, और कभी कभी तो 2 घंटे भी साधना नहीं करते हैं तो वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। सोने के अतिरिक्त सब उसको काम ही काम करना पड़ता है, और उसको यदि हमने नहीं जाना, उस काम को करते हुए हमने यदि शिव संकल्प नहीं किया, इस काम को करते हुए मेरा संकल्प क्या है और मेरा भाव क्या है, विचार क्या है, इसको यदि हमने नहीं जाना, तो वो कर्म करके भी हमने अपने लिए रस्सियां तैयार कर ली बंधने के लिए, चेन तैयार कर लिए हमने, बंधन तैयार कर लिए अपने ही लिए, अपने ही हाथों से अपने आप के पैरों को बांधना, ये कौन सी समझदारी है। तो एक चांस मिला है ना हमें, तो हमें ऋषि बता रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर, ये हमें बता रहे हैं कि आप जब भी कोई काम करो तो क्या करना, पहले शिव संकल्प करना, संकल्प अच्छा करना कि ये काम करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा ये संकल्प है, और फिर वैसा ही विचार आपके मन में आएगा जैसा संकल्प था, और उन विचारों से ओतप्रोत होकर के फिर वैसा ही आप वाणी से बोलेंगे कि अब मैं ये कर रहा हूँ, और फिर जो आप अनाउंस करेंगे वही आप कर्म करेंगे। और इन सब से मिश्रित कैसा भाव था, कैसा विचार था, कैसी वाणी थी, कैसा कर्म था, इन चारों से मिश्रित ये जो एक संयुक्त कर्म हुआ वो हमारा कल का भाग्य है। जो पिछले कल किया था वो हमारा आज, आज उसको हम भुगत रहे हैं, आज हम उसको काट रहे हैं, जो कल बीज बोया था आज जो बो रहे हैं इसको कल काटेंगे। आज हम इस स्थान पे बैठे हैं, हम ऐसे ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से पहले भी हमने कुछ अच्छा ही किया था, नहीं तो कहाँ मिलता ये हमें। और जो मनुष्य शरीर में बैठे हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से हमने अच्छे कर्म किए थे, तब तो शरीर मिला ये, नहीं तो सबको तो मिला नहीं मनुष्य का शरीर। फिर मनुष्य का शरीर मिलकर के भी लोग कितने कितने बुरे माहौल में जीते हैं, गंदे माहौल में जीते हैं, उनको मतलब ऐसे माहौल के तो दर्शन भी नहीं मिलते, नरक में जीते हैं, और हम यहाँ इतने सुंदर एक एनवायरनमेंट में जीते हैं। इसका मतलब हमने कर्म कैसे किए थे, अच्छे किए थे, पुण्य कर्म किए थे। तो अब उनको और आगे बढ़ाना है हमें, ऐसी जागरूकता पूर्वक हमें अपनी क्रियाएं करनी चाहिए। अब उससे उससे आगे कितना आगे जा सकते हैं, पीछे वाला तो हमने सारा देखा संसार के लोगों को कि कैसे लोग नरक में जी रहे हैं, कैसे गंदगी में जी रहे हैं, कितनी हीनता में जी रहे हैं, उनके मनुष्य शरीर को देख करके भी मतलब घृणा आती है कि कैसे ये लोग, पशु अच्छे हैं इनसे, तो उसको देखा। अब ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले कहाँ तक जा सकते हैं, देवता भी जिनको देखने के लिए आए, आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भवंत तम रात्रि तिस्र गर्भे विवर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा। जो इस ज्ञान के गर्भ से, गुरु के गर्भ से पैदा हुआ, उसको देखने के लिए देवता भी आते हैं, देवता भी फूल बरसाते हैं। इसलिए श्री राम देवता बनना स्वीकार नहीं करते, राम की आत्मा मनुष्य बनना स्वीकार करती है, और मनुष्य शरीर में ऐसे कर्म करते हैं असुरत्व का, अपने अंदर ही नहीं पूरी पृथ्वी से असुरत्व का विनाश। और जब वो असुरत्व का विनाश करते हैं तो ऊपर से देवता भी उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने अपने शरीर के रोगों का नाश नहीं किया, पूरे पृथ्वी के लोगों के रोगों का नाश किया, मतलब जो जो योग की शरण में आया करोड़ों लोगों का। तो ऐसे शरीर के ऊपर देवता फूल क्यों नहीं बरसाएंगे,
चारों तरफ से देवता फूल बरसाते हैं, उनको आशीष मिलते हैं चारों तरफ से। तो एक ये इतना ऊंचा जीवन है, और फिर महर्षि दयानंद का जीवन है, फिर गौतम कपिल कणाद जैमिनी ऋषि का जीवन है, कितनी ऋषिकाएं हुई, श्रद्धा घोषा अपाला ममता उषिक, उन सब का जीवन है, वागाम्बरीणी। तो वहां भी तो जाया जा सकता है, कोई ना कोई तो ऋषि बनते आए, आज भी हैं, आगे भी बनेंगे। पीछे के ऋषियों का हमने इतिहास देखा, आज के जो ऋषि हैं तो उनके तो हम साथ ही रह रहे हैं, और भी बहुत हैं देश में, लेकिन कम से कम एक तो हमारे दृष्टि में, हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है, तो आज भी हैं, आगे भी होते ही रहेंगे, जब अब तक हो रहे हैं, तो आगे होने वालों में हम थोड़ा प्रयास तो कर ही सकते हैं ना। जब हमारे पास साधन है तो जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना तो हम कर ही सकते हैं, ऐसा सोच के हमें हर क्रिया को शुरू करना चाहिए। तो फिर मन में कृतकृत्यता का भाव आता है। तो ये इन्होंने बताया कल कि आप कोई भी कर्म करने से पहले क्या कर लेना, एक बार संकल्प कर लेना, क्योंकि संकल्प जो है वो किससे बड़ा है, मन से भी बड़ा है संकल्प। तो इसलिए कल इन्होंने कहा, स यह संकल्पम ब्रह्म इति उपास्ते लृप्तान एव वै स लोकान ध्रुवान ध्रुवम प्रतिष्ठान प्रतितिष्ठितः अव्यथमानान अव्यथमानो अभिसिद्ध्यति यावत संकल्पस्य गतम तत्रस्य यथा कामचारो भवति यह संकल्पम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति अस्ति भगवः संकल्पात् भूय इति वाव संकल्पात् भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। तो यहाँ सनत कुमार जी बता रहे हैं, नारद जो इस संकल्प को ही ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है तो वह ध्रुवान लोकान ध्रुव प्रतितिष्ठान प्रतिष्ठित ध्रुव लोकों को प्राप्त हो जाता है और स्वयं भी ध्रुव हो जाता है, स्थिर चित्त वाला हो जाता है और स्थिर लोक को, स्थिर लोक को मतलब अपने अंदर ही एक स्थिरता वाली स्थिति को प्राप्त कर लेता है। एक तो व्यक्ति की स्थिति ये होती है कि कहीं भी उसको चैन ही नहीं है, अंदर से चित्त को बेचैन है, परेशान है, बहुत असंतुष्ट है, विचलित सा है, और एक स्थिति ऐसी होती है कि कभी कभी विचलन होती है, कभी कभी बीच बीच में स्थिरता भी आती है, शांत भी होता है चित्त, तो इसको विक्षिप्त कहते हैं। एक ऐसी स्थिति है एकाग्र, सदा ही निश्चिंत, सदा ही शांत, सदा ही प्रसन्न ध्रुव जो अर्जुन को मिली। तो अर्जुन की हमने तीन स्थिति देखी गीता में, पहले वाली जो स्थिति है वो कैसी है, दूसरे अध्याय वाली स्थिति कैसी है उसकी, उनकी अत्यंत विषाद से युक्त हैं, शरीर भी अस्थिर है, मन भी अस्थिर है, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि उनको उस स्थिति से बाहर निकलना है तो वो अपने गुरु से प्रश्न पूछते जाते हैं और जैसा गुरु बताते हैं वैसा वैसा अभ्यास करते जाते हैं उनकी बात मान करके। तो उनकी बीच के जो अध्याय हैं उनमें स्थिति कैसी है, मध्यम स्थिति है, कभी बात समझ में आती है तो चित्त शांत हो जाता है, फिर कोई और एक प्रश्न उठ जाता है तो फिर चित्त अशांत हो जाता है, फिर गुरु जी से पूछते हैं, भगवान कृष्ण से पूछते हैं। तो बीच की जो गीता की के जो अध्याय हैं उनमें अर्जुन की मध्यम स्थिति दिखाई देती है, लेकिन जो आगे 18वें अध्याय में है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, वो कैसी स्थिति है, वो है स्थितोस्मि गत संदेह। उसमें वो कह रहे हैं कि अब चित्त की स्थिति कैसी है, अविप्लव विवेक ख्याति वाली है, अब मेरी जो बुद्धि है विवेक ख्याति है वो कैसी हो गई, अविप्लव, हिलती डुलती नहीं है। इसको यहाँ उपनिषद ने कहा ध्रुवान लोकान प्रतितिष्ठति, ध्रुव लोक को, ध्रुव लोक को माने स्थिर स्थिति को। तो कितना अच्छा होगा वो दिन, देखो आप कल्पना करें हमारे चित्त की ऐसी स्थिति हो जाए कि एक क्षण के लिए भी जिसमें विचलन ना हो,
एक क्षण के लिए भी जिसमें कोई टेंशन चिंता ना आए, तो ऐसी स्थिति तो हमारी सुषुप्ति में होती है। जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं ना, तो कोई टेंशन नहीं होती, बिल्कुल शांत सब कुछ। ऐसा यदि जागते हुए भी हो जाए तो कितनी बड़ी उपलब्धि है फिर, फिर तो समस्या खत्म सारी। तो फिर तो जो भी करेंगे वो निष्काम भाव से ही करेंगे फिर, क्योंकि कुछ कामना तो रही नहीं। कामना तो, अंतिम कामना तो यही है ना कि मैं प्रशांत हो जाऊं, सुख को, शांति को प्राप्त कर लूं। सुख और शांति के लिए तो दो शब्द है ना, एक सुख एक शांति। सुख का मतलब अभ्युदय, शांति का मतलब निश्रेयस। तो दो ही तो चीजें चाहता है व्यक्ति, और वो यदि प्राप्त हो गया तो उसके बाद शरीर बचा भी तो जितने दिन भी शरीर रहेगा व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करेगा, तो कितनी अच्छी स्थिति है। तो अगर हम उसको अभी कुछ महीना कुछ वर्ष अगर उसको पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लें, तो अब देखो हमारा जितना भी जीवन बचा है, किसी के 60 साल हैं, किसी के 70 साल बचे हैं, किसी के 50 बचे हैं, जितना भी जीवन जिसका बचा है एक औसत आयु मान करके, वैसे तो किसी का भी भरोसा नहीं है, तो इतने वर्ष हम कैसे जिएंगे इस संसार में अत्यंत आनंद के साथ, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से, और करना क्या है, करना क्या है उस स्थिति के लिए, हर काम को करने से पहले शिव संकल्प, ये है बस। तो रहस्य भी बता दिया, चाबी भी हाथ में दे दी, और जहाँ वो लोक है वहाँ तक ले जाके खड़ा भी कर दिया। अभी बस चाबी को ऐसे घुमाना है केवल, और फिर सारा खजाना आपका। तो जो भी कर्म करें तो एक बार क्या कर लेना, संकल्प, शिव संकल्प कर लेना, अच्छा संकल्प कर लेना। और बस ऐसे करते करते हम क्या हो जाएंगे, ध्रुवान लोकान प्रतिष्ठति, अव्यथमानान अव्यथमानो। दूसरों को भी व्यथित नहीं करेंगे और अपने आप को भी व्यथित नहीं करेंगे। अव्यथमानान अव्यथमानो अभिसिद्ध्यति, ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और ये ही वहां पर भी आया, गीता में भी ये आया, यस्मान नो द्विजते लोकः लोकान नो द्विजते च यः, जो ना दूसरों को उद्विग्न करता है और दूसरे भी उसको उद्विग्न नहीं करते हैं फिर, और वो खुद भी अपने को उद्विग्न नहीं करता है। यही यहाँ भी यही कह रहे हैं कि ये अव्यथमानान अव्यथमानो, ना दूसरों को व्यथित करता है, दुखी करता है, और ना तो दूसरे इसको दुखी करते हैं, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता। खुद भी सुख से जीता है और दूसरों को भी सुख से जीने के लिए प्रेरित करता है, और दूसरे भी इसको बाधा नहीं डालते हैं। तो ये संकल्प की महिमा है, यावत् संकल्पस्य गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। ये कह रहे हैं ये संकल्प की इतनी बड़ी महिमा है, तो इसका मतलब बस संकल्प यात्रा खत्म हो गई? तो कह रहे हैं नहीं, संकल्प से आगे और दिव्यता बहुत विराट है, अनंत है दिव्यता। तो पर जो जिस व्यक्ति ने अपने संकल्पों को ठीक कर लिया, जिसके संकल्प, जिसके विचार, जिसकी वाणी, जिसका व्यवहार, जिसके कर्म सब दिव्य हो गए, तो वो व्यक्ति भी कोई ये कम सुख नहीं है। संकल्प की जितनी महिमा है उतनी महिमा को वो प्राप्त कर लेगा। जहाँ तक संकल्प की गति है वहाँ तक इसकी गति हो जाएगी। तो संकल्प की गति कितनी है, संकल्प की कितनी गति है, संकल्प का क्षेत्र कितना है, जितनी विशाल ये सृष्टि है, ये सारी सृष्टि संकल्प का ही परिणाम है ना। तो कहाँ तक सुखी हो सकते हैं, जहाँ तक ये सृष्टि है। तो जहाँ कहीं भी हम सृष्टि में जाएं, तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि उनको वो कहते हैं कि जी हमें किन्हीं भी व्यक्तियों के बीच में छोड़ दो, कैसी भी परिस्थिति में छोड़ दो, किसी भी देश में छोड़ दो, हम वहाँ एडजस्ट कर लेंगे। कितनी बड़ी बात है ये। और दूसरा व्यक्ति कहता है जी देखो वहाँ मच्छर नहीं होने चाहिए, तब तो मैं एडजस्ट कर लूँगा, मच्छर हुए तो नहीं सोया जाएगा मेरे से। जी वहाँ पर एसी ज़रूर होना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं रहा जाएगा, बाकी सब सहन कर लूँगा।
जी वहाँ पे दूध जरूर होना चाहिए, गाय जरूर होनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो शर्त होती है व्यक्ति की। बोल जी वहाँ पर कक्षा जरूर लगनी चाहिए वेद दर्शन की उपनिषद की, बाकी कुछ मिले ना मिले तो वो 1 घंटे का सत्संग जरूर चाहिए मेरे को। तो सत्संग चलता रहेगा तो हम फिर और बाकी सब सहन कर लेंगे। बोल जी वहाँ गंगा जी जरूर होनी चाहिए, गंगा के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। आसपास गंगा हो, एक बार उसमें स्नान करके आ जाएं। कुछ ना कुछ तो व्यक्ति की कंडीशन होती हैं, अगर ये नहीं होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। लेकिन जो व्यक्ति कहे कि कैसी भी परिस्थिति में मुझे रख दे मैं प्रसन्न रहूंगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये संकल्प का क्षेत्र है। जो संकल्पवान व्यक्ति होता है ना वो ये बात कह सकता है, क्योंकि उसकी सारी खुशियां किस पे डिपेंड करती हैं, उसके संकल्प पे। यावत् संकल्पस्य गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, यह संकल्पम ब्रह्म इति उपास्ते। तो कहा कि भगवान क्या संकल्प से भी बड़ा कुछ है क्या? तो कहा है ना, निश्चित रूप से है। वाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, तो फिर आप उसका भी उपदेश दीजिए, सारा ही बता दो। फिर बताने लगे हो तो इससे बड़ा भी क्या है? तो ये कह रहे हैं चित्तम वाव संकल्पात भूयः, यदा वै चेतयते अथ संकल्पयते अथ मनस्यति अथ वाचम ईरयति ताम उ नामनी ईरयति नामनी मंत्रः एकं भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि। कह रहे हैं संकल्प विकल्प भी किस में उठते हैं? चित्त में उठते हैं ना। चित्त का मतलब है यहाँ पर चेतना, क्योंकि संकल्प भी चेतना से उठते हैं ना। जड़ का धर्म नहीं है ना संकल्प करना, चेतन का है, तो वो इससे भी बड़ा है। चित्तम वाव संकल्पात भूयः, संकल्प से भी बड़ा क्या है? चित्त। यदा वही चेतयते, जब व्यक्ति चेतन होता है, अथ संकल्पयते, तो संकल्प करता है। जब हम अपनी चेतना में होते हैं, अपने स्वरूप में होते हैं, आत्मभाव में होते हैं, तभी तो शिव संकल्प कर पाएंगे। जब हम शरीर भाव में हैं, कहीं बाजार से जा रहे हैं, इंद्रिय भाव में हैं, और वहाँ कोई खाने पीने की अच्छी चीज़ दिखाई देती है, तो मन में क्या आता है? फिर उसको खा लूँ। जिसकी जिसमें रुचि है, किसी किसी की स्वीट में रुचि होती है तो उसको मिठाइयाँ दिखाई देंगी, किसी किसी की चटपटे में रुचि होती है तो उसको पानी पूरी दिखाई देगी। तो जैसी जिसकी रुचि है, तो अगर वहाँ मन जा रहा है तो इसका मतलब हम किस भाव में हैं अभी? इंद्रिय भाव में और शरीर भाव में। इंद्रिय भाव में यदि नहीं हो तो फिर हम चेतन भाव में यदि हैं तो फिर हम संकल्प करेंगे, हम विचार करेंगे कि पानी पूरी में कौन सी प्रोटीन है, कौन से विटामिन्स हैं, इसको खाने से क्या-क्या लाभ मिलेगा। तो पता लगेगा कि विटामिन तो कोई भी नहीं है।